हेलो दोस्तों, तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है CFOs एंड अबैंडनिंग मोमेंट। जैसे कि मेरे पास मान लीजिए कि एक कोई सिंपली सपोर्टेड बीम है। एक बार आप समझ लीजिए इसे बेसिक बात को, उसके बाद आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, कैलकुलेशन पर्पस के लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। तो मान लीजिए कि यह है, यहाँ पे सेंटर पे एक पॉइंट लोड पड़ रहा है, पॉइंट लोड पड़ा है। आप, मैं इसको ऐसे शो करता हूँ कि मान लीजिए आप दो भाई हो, दो भाइयों ने एक लकड़ी का फट्टा उठा रखा है और पापा ने लाके एक बैग, हैवी बैग जो है वो सेंटर में रख दिया। और सेंटर में क्यों रखा? क्योंकि दोनों को लोड बराबर पड़े। देखिए, ये जो रिएक्शन है वो कुछ इस तरह से है कि आप उठा रहे हो जो फट्टा, तो आपका जो फोर्स लग रहा है ऊपर की ओर, वो रिएक्शन है, यही रिएक्शन है। जो दीवारें रिएक्शन दे रही हैं वो आपके हाथ दे रहे हैं, तो दीवारों ने जो रिएक्शन देना है उसकी बजाय आपके हाथ रिएक्शन दे रहे हैं, वही तो है। आप फील कर सकते रिएक्शंस, हम दीवारों की रिएक्शन अभी फील नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमें जब पता लगेगा कि इतनी रिएक्शन इसको देनी पड़ रही है तो हम कहेंगे नहीं, दीवारें मोटिव ना होती, इसके रिएक्शन ज्यादा देना, लोड ज्यादा ऊपर से। तो आपने मान लीजिए कि फट्टा उठा रखा है और आपने पापा ने सेंटर में रख लिया, तो लोड कैसे डिवाइड होगा? हाफ हाफ। मान लीजिए कि 100 न्यूटन पापा ने कोई लोड उसके ऊपर रख दिया फटे, तो 50 न्यूटन दोनों के लिए बराबर बराबर हो जाएगा। कितना आसान है कैलकुलेशन करना, 50 न्यूटन दोनों उठा दें। लेकिन एक भाई चला गया, एक भाई ने क्या किया, हिला के फटा जो बैग था उस दूसरी की तरफ कर दिया, जो दूसरा भाई है उसकी तरफ कर दिया। अब क्या होगा? अब आप देख सकते हैं कि उसके तरफ लोड ज्यादा है। इस भाई ने जो शैतानी की है जानबूझ के, देखिए आपको भी पता है इन चीजों का, प्रैक्टिकली आपको पता है, लेकिन यहाँ जब हम पढ़ाई में आते हैं, थ्योरी में आते हैं, सोम मेसर मंडी में पढ़ते हैं, तब हमें थोड़ी सी परेशानी आती है। एक्चुअल में आप ऐसा कभी ना कभी करके देख सकते हैं। तो देखो, अगर मान लो कि लोड है, ये जो एक्ट कर रहा है वो अब सेंटर पे नहीं है, वो अब सेंटर से हिल चुका है, यहां पे आ चुका है मान लेते हैं, और ये 100 न्यूटन का, और ये पहले एंटायर लेंथ थी मान लीजिए 6 मीटर, और ये सेंटर में पड़ा था, जो लोड था वो सेंटर में था, यहां पे था 3 मीटर पे, अब हिल के यहां पे 4 मीटर पे जा चुका है और ये 2 मीटर है। अब टेंशन पड़ गई ए और बी, ए तो चलाक था, ए ने हिला के बैग को उधर कर दिया बी की तरफ, लेकिन अब बी का रिएक्शन ज्यादा पड़ रहा है, उसे लोड ज्यादा उठाना पड़ रहा है, लेकिन कितना उठाना पड़ रहा है एग्जैक्ट आप बता सकते हो? नहीं ना, तो इसके लिए हमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, ठीक है। वो कैलकुलेशन अगर आपको एक बार समझनी है, उसके बाद कोई टेंशन नहीं आपको, तो आओ वो कैलकुलेशन करते हैं किस तरह किस तरह से होगी। अब एक चीज छोटी सी इमेजिन करनी है आपने, एक छोटी सी चीज इमेजिन करनी है आपने, ये दोनों स्पोर्ट में से एक को पिन अप कर देना है। पिन अप करने का मतलब उसे हिंज पॉइंट बना देना है। हिंज पॉइंट क्या होता है? जैसे दरवाजे के जो साइड में कब्जा होता है, साइड में जिसके अराउंड वो हिलता है, हिंज बोलते हैं जिसे, तो वो उसे बना देना है एक स्पोर्ट को। मान लेता हूं मैं कि ए के साथ ऐसा करता हूं, ए के ऊपर मैं कील गाड़ देता हूं यहां पे, ठीक है। तो ए के ऊपर कील गाड़ दी मैंने और इसे एक दरवाजा बना दिया, ठीक है। तो ये एक दरवाजा बन चुका है, ये एक दरवाजा बन चुका है। देखो ध्यान से, एक बार समझना है और बार बार समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दरवाजा बन चुका है, दरवाजा बन चुका है। तो अब एक बंदा इधर से जोर मारेगा, एक बंदा इधर से दरवाजे को, ठीक है। एक बंदा कहेगा इधर चल, दूसरा कहेगा इधर चल। तो ये लोड पड़ रहा है यहां पर, रिएक्शन आर बी, और ऊपर से लोड जो पड़ रहा है वो क्या है? 100 न्यूटन। वो है 100 न्यूटन। हमें डिस्टेंसेस पता है, डिस्टेंस जो है वो अलग अलग है, वो देख लेते हैं। यहां है 4 मीटर का डिस्टेंस और यहां है 6 मीटर का डिस्टेंस। देखो, अगर आपने मोमेंट का चैप्टर नहीं पढ़ाया, मोमेंट के बारे में नहीं पढ़ाया, तो प्लीज मैं ऊपर लिंक दे रहा हूं, मोमेंट को पहले समझिए, जरूरी है मोमेंट को समझना जरूरी है, ठीक है। अगर मोमेंट नहीं पता तो आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं।
तो मोमेंट समझ लीजिए, उसके बाद यहां भी आ सकते हैं। अब हमारे पास मोमेंट में मैंने उस वीडियो में समझा रखा है कि हमें इसको क्लॉकवाइज मोमेंट, ठीक है सॉरी, यहां पे देखिए तो इस तरफ से देखें तो क्लॉकवाइज मोमेंट और एंटी क्लॉकवाइज, क्यों, जो 100 न्यूटन है वो इसके नीचे दबा रहा है, देखो ऐसे घुमा रहा है, और जो आरबी है वो इसे ऐसे घुमा रहा है, ठीक है। तो आरबी इस तरफ घुमा रहा है, 100 न्यूटन इस तरफ घुमा रहा है, तो हमें मोमेंट में इक्विलिब्रियम बनाने के लिए एक ही सिंपल संबंध है, क्लॉकवाइज मोमेंट शुड बी इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। तो हमारे पास कुछ इस तरह से आ जाएगा, ये कुछ इस तरह से आ जाएगा, फॉर इक्विलिब्रियम, ठीक है, अब इक्विलिब्रियम का आपको समझा दूं, ये भी एक वर्ड कैसे बना है, इक्वी का मतलब है इक्वल, लिब्रियम, लिब्रियम वर्ड उठा है लिब्रा से, लिब्रा एक कास्ट होती है, देखिए आपने जैसे सुना होगा लिब्रा तुला, तुला राशि होती है जो, तो तुला लिब्रा, लिब्रा मतलब वो तराजू, तो जब तराजू इक्वल आ जाए, तराजू कब इक्वल आते हैं, इस तरह से देखो ये तराजू इक्वल आ जाएंगे जब इसका क्लॉकवाइज मोमेंट और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट दोनों बराबर आ जाते हैं, वो हिलना बंद कर देता है तो वो इक्विलिब्रियम में आ जाता है। तो इक्वल तराजू, इक्वल यहां पे क्लॉकवाइज मोमेंट शुड बी इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज मोमेंट। तो क्लॉकवाइज कौन घुमा रहा है इसे, 100 न्यूटन, तो 100 हमारा ये क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द हिंज पॉइंट, फ्रॉम द हिंज पॉइंट, फोर्स इंटू डिस्टेंस फ्रॉम द हिंज पॉइंट, ये F1 D1 F2 D2। तो F1 क्या है मान लीजिए 100 न्यूटन है, 100 न्यूटन इंटू डिस्टेंस फ्रॉम द हिंज पॉइंट। तो आपने इसको अगर आप बच्चों की तरह समझ लेते, मैं बच्चों की तरह समझा सकता हूं, आपने एक उंगली यहां पे फिक्स रख लेनी है जो हिंज पॉइंट पे है बस, और दूसरी उंगली वहां पर रखनी है जहां फोर्स पड़ रहा है, और इन दोनों की उंगलियों के बीच का डिस्टेंस जो है उसको मल्टीप्लाई कर देना है। देखो 100 और उंगलियों के बीच का डिस्टेंस कितना है, 4, तो हमारे पास ये आ जाएगा 4 मीटर। अब दोबारा फिर करना है, उंगली आपने ये हटानी नहीं है, ये फिक्स उंगली होगी हमारे पास, ये हिलनी नहीं है, दूसरी रखनी है वहां पे जो दूसरा लोड है। अब दोनों उंगलियों के बीच का डिस्टेंस कितना है, 6 मीटर, तो हमारे पास आरबी इंटू 6, तो मैं क्या कर सकता हूं, आरबी निकाल सकता हूं, आरबी 6 इधर आ जाएगा 400 न्यूटन मीटर डिवाइडेड बाय 6 मीटर, आप मीटर मीटर कैंसिल कर सकते हैं, तो आरबी कैलकुलेशन कर सकते हैं, 400 डिवाइडेड बाय 6, 66.66 न्यूटन आपका ये आंसर आ देगा। तो आरबी को कितना उठा रहा है, उठाना पड़ रहा है 66.66 न्यूटन, उसे लोड उठाना पड़ रहा है 100 में से, आउट ऑफ 100 में से, 100 में से उसका पार्ट कितना है 66.66, इतना ज्यादा रह कितना गया बाकी, कितना रह गया बाकी जो आरबी को उठाना पड़ेगा, तो टोटल लोड इज इक्वल टू RA + RB, आप कैलकुलेट कर सकते हैं RA + RB, आरबी है 66.66, तो टोटल लोड कितना है 100 न्यूटन माइनस 66.66 इज इक्वल टू आरबी, तो आरए को उठाना पड़ रहा है वो है सिर्फ 33.33 न्यूटन आरए। तो चलाक रिएक्शन, मतलब चलाक ए ने इतना चलाकी की 1 मीटर उधर खिसका के आधा लोड उठा रहा है उससे। तो कुछ लोग होते हैं दुनिया में जो अपना लोड किसी को दे देते हैं और पता नहीं लगने देते, और इसी तरह इसने ए नहीं किया। आपको रिएक्शन अगर निकालनी आती है तो सब कुछ आता है, ठीक है, रिएक्शन अगर एक बार मोमेंट के बारे में समझ लो और फोर्स इंटू डिस्टेंस समझ लो एक बार, उसके बाद कोई टेंशन नहीं है। एक बार बता दूं, आपने एक उंगली यहां रखनी है हिंज पॉइंट पे, दूसरी रखनी वहां पे जहां का फोर्स आपका, फोर्स इंटू डिस्टेंस बिटवीन दिस फिंगर्स, अगेन फोर्स इज आरबी
एंड द डिस्टेंस बिटवीन द दीज फिंगर्स। मैं देखे अगर मैं वही बोलूं कि फोर्स इनटू द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द हिंज पॉइंट एंड द लोड, तो काफी थोड़े से कैसे काफी हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं, तो डिप्लोमा वाले भी बच्चे हैं, तो वो स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं या आईटीआई करके भी आए होते हैं, जो आईटीआई करके डिप्लोमा में एंटर करते हैं और डिप्लोमा के बाद फिर बीटेक में इसे डायरेक्ट एंट्री लीड के थ्रू जाते हैं, तो उनको काफी प्रॉब्लम आती है। ऐसी जो प्लस टू करके आए होते हैं तो थोड़ा सा उनका बेस अच्छा बना होता है, तो जो आईटीआई कराए होते हैं उन्होंने थोड़ा मुश्किल उनको ये आती है कि उन्होंने करा नहीं होता ऐसा कुछ, तो इसलिए मैं थोड़ा सा बीच में इतना देसी नुस्खा यूज कर रहा हूं कि देसी तरीके से पढ़ा रहा हूं कि उनके लिए भी ये वीडियो ये इसलिए समझ आया आपको, उम्मीद है आपको समझ आया। में बहुत आसान है क्योंकि एक ही बंदा है उठाने वाला, लोड किसने उठाना है इसने, बस इसका रिएक्शन कितना होगा इक्वल टू टोटल लोड, जितना टोटल लोड होगा, तो इसमें रिएक्शन हमें निकालने की अलग अलग जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए मैंने इसको कराया नहीं था। तो एक ही बंदा है भाई, एक अकेला उठाने वाला लोड, तो उसको कोई है ही नहीं कैलकुलेशन पर्पज के लिए कि लोड उसने अकेले ने ही उठाना है, तो वो अकेला ही उठा रहा है। तो आगे चलते हैं, मैं कुछ और एग्जांपल दे दूंगा आपको, देखो किस तरह से। मान लो कि ये एक पॉइंट सॉरी सिंपली सपोर्टेड बीम है और एक लोड पड़ रहा है यहां पे, एक लोड पड़ रहा है यहां पे, एक लोड पड़ रहा है यहां पे, तीन तीन लोड पड़ रहे हैं ऊपर से, और ये है ए ये है बी, और आपको जो मान लीजिए कि न्यूटन आपको फोर्स बोल दूं 100 न्यूटन, ये है 150 न्यूटन और ये है 50 न्यूटन, और ये डिस्टेंस है कोई 2 मीटर 2 मीटर 2 मीटर और 2 मीटर, ठीक है। अब आपको बोले कि रिएक्शन निकालो, तो फिर आपने वही करना है लिखना, अब लिखना पेपर में कैसे लिखना है वो देखिए। टेकिंग मैं करूंगा टेकिंग मोमेंट अबाउट ए, टेकिंग मोमेंट अबाउट ए, अबाउट ए, ए के अबाउट मोमेंट लेनी है, तो हमें याद होगा कि हमें क्या करना है, ए के पे एक कील गाड़ देनी है, उसे हिंज पॉइंट बना देना है, दरवाजा बन जाएगा। मैं फिर से बना दूं चाहे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसे हिंज पॉइंट बना देना है इस तरह से, और ऊपर से फिर लोडिंग, फिर वही 100 न्यूटन 150 न्यूटन और 50 न्यूटन, और यहां भी नीचे से आरबी। तो आप दरवाजे पे भी ये एग्जाम्पल लगा सकते हैं, तीन बंदों को एक साइड कर दो, एक बंदा एक साइड कर दे, तो वो एक बंदा जो लगा रहा है एंड पॉइंट पे लगा रहा है, ये यहां पे, ये यहां पे, यहां पे तीन तीन फोर्सेज है यहां अलग अलग, ठीक है। तो ये तीन फोर्सेज जो है वो क्लॉकवाइज एक तरफ घुमा रही है और सिर्फ ये आरबी है जो एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है इसे, ठीक है। तो दरवाजे का ये आरबी इस तरफ रिएक्शन, ऊपर से लोड इस तरफ, तो ये नीचे की ओर घुमा रहे हैं क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज, तो इसकी मोमेंट्स को प्लस कर देंगे, इक्वल टू कर देंगे इसकी मोमेंट को। तो मैं यहां पे दोबारा दिखा दूं आपको फिर से, तो ये डिस्टेंस होगा 2 मीटर 2 मीटर और ये भी 2 मीटर और फिर ये 2 मीटर, तो हमारा फिर वही चलेगा फॉर इक्विलिब्रियम क्लॉकवाइज मोमेंट शुड बी इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। तो क्लॉकवाइज मोमेंट कौन सी, अब फिर मैं बच्चों जैसे फिर समझाता हूं क्या है कि आपने यहां पे एक उंगली फिक्स कर ली, फिक्स इसे नहीं हिलाना, दूसरी उंगली कहां रखनी है जहां पे लोड है, तो 100 न्यूटन लोड है, इसको भूल जाओ एक बार, इसको छुपा दो, इसको मत सोचो, 100 न्यूटन लोड है और डिस्टेंस कितना है बिटवीन द फिंगर्स 2 मीटर, तो 100 न्यूटन × 2 मीटर प्लस एक उंगली यहीं पे है, दूसरी 150 कर दूंगा, 150 × द डिस्टेंस बिटवीन द हिंज पॉइंट एंड द लोड एंड डिस्टेंस, मैं अपनी भाषा में कहूं डिस्टेंस बिटवीन दीज टू फिंगर्स, तो 100 न्यूटन × आप बोलिए कितना फोर ये डिस्टेंस हो गया 4 मीटर प्लस लोड, अब आप बोलिए 50 ×
6 meter. 50 newton into 6 meter. It should be equal to anti-clockwise. Anti-clockwise घुमाने वाला सिर्फ एक है, तो RB है. RB into between the two fingers. कितना है इनका डिस्टेंस? 8 meter. तो आप कैलकुलेशन कर सकते हैं. 200 न्यूटन मीटर प्लस ये हो गया 600 न्यूटन मीटर और 300 न्यूटन मीटर इज इक्वल टू आर बी न्यूटन में होगा इंटू 8 मीटर. तो इसे प्लस कर दें टू 800 1100 1100 न्यूटन मीटर डिवाइडेड बाय 8 मीटर. तो मीटर मीटर कैंसल और ये आ गया आर बी. आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं आर बी 8 को काट दीजिए ठीक है तो 137.5 न्यूटन ये क्या है आरबी. तो ये है आरबी हमारे पास. तो आर आप निकाल सकते हैं आप खुद निकाल लीजिएगा. टोटल लोड है 100 150 250 और ये 5300. आउट ऑफ 300 ओनली आरबी इज 137.5 न्यूटन. तो आरबी को टोटल लोड से माइनस कर दीजिए तो आर आपके पास आ जाएगा ठीक है. तो आपको ये समझ आए तो आगे चलते हैं इसका. देखिए अब मैं क्या कर रहा हूं लोड चेंज कर रहा हूं. अभी तक पॉइंट लोड चल रहे थे सारा. अब मैं लोड चेंज कर रहा हूं. लोड चेंज करके मैं इस पे यूबीएल डाल देता हूं. यूबीएल लोड डाल देता हूं कोई बात नहीं. हमें क्या यूबीएल डाल दीजिए. तो मैं इसका कहता हूं कि ये 10 न्यूटन पर मीटर है. 10 न्यूटन पर मीटर है और इसका टोटल डिस्टेंस है मान लीजिए 6 मीटर और ये है ए ये है बी. तो हमें करना क्या है. देखिए लोड को ऊपर एक ही बात दिमाग में समझनी है. टोटल लोड को उसके सेंटर में एक्ट करवाना है बस. और इससे ज्यादा कोई कैलकुलेशन दिमाग घुमाने वाला नहीं है इसमें. आपने क्या करना है दिमाग में आपने यही सोचना है कि ये टोटल लोड टोटल कितना है. 10 न्यूटन पर मीटर को 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 60 न्यूटन. तो सेंटर में एक्ट करेगा 60 न्यूटन कहां एक्ट करेगा सेंटर में क्योंकि एंटायर लेंथ पे पड़ रहा है ये लोड. तो ये 60. अब ये पॉइंट लोड के दिमाग में आप पॉइंट लोड की कैलकुलेशन उसी तरह से कर सकते हैं. ये 30 न्यूटन दोनों 30 न्यूटन उठाएंगे. तो ये 30 न्यूटन आप इसे कैलकुलेशन से वैसे करना चाहते हैं वैसे भी हो सकता है कोई प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन ये आसान है इसलिए मैंने सीधे लिख दिया. आर ए आर बी 30 दोनों उठाएंगे ठीक है. अब मैं थोड़ा सा और एग्जांपल लेता हूं इसका. मान लीजिए कि ये जो लोड पूरे एंटायर लेंथ पे नहीं पड़ रहा है मैं इसको यहां पे पड़ रहा है. ये कोई दिक्कत नहीं है. ये पड़ रहा है मान लो 20 न्यूटन पर मीटर और दिस इज द डिस्टेंस 2 मीटर एंड दिस इज द डिस्टेंस 3 मीटर. फिर हमने दिमाग में कुछ ज्यादा नहीं सिंपल सी बात करनी है कि इसे पॉइंट लोड में दिमाग में कन्वर्ट कर देना है. पॉइंट लोड कैसे 20 टू 40 न्यूटन. 40 न्यूटन कहां पड़ेगा इसके सेंटर में है. टोटल के सेंटर में नहीं पड़ेगा दिमाग में ये रखना. कहीं आप टोटल लोड टोटल के सेंटर में रहो सिर्फ इतने पे पड़ रहा है लोड इसके सेंटर में पड़ेगा तो यहां पे पड़ेगा. तो ये दिमाग में आपने कैलकुलेशन करनी है. पॉइंट लोड में कन्वर्ट करना है पेपर में नहीं करना है. पॉइंट लोड में कन्वर्ट करना है दिमाग में सिर्फ और कुछ किसी को में नहीं. तो पॉइंट लोड कितना गया 40 न्यूटन था. अब आप कैलकुलेशन कर सकते हैं. आपको सिखा रखी है आर ए और आर बी आप अभी निकाल सकते हैं. 3 मीटर और ये 2 मीटर ठीक है सॉरी. तो ये देखिए ये यहां पे था 3 मीटर यहां पे था
तो ये इसका हाफ, तो यहां पे एक मीटर और यहां पे भी एक मीटर। अब आप कर सकते हैं, हो सकता है आपसे आराम से। एक और ले लीजिए, अगर आप कहेंगे जी और इसके लिए एग्जांपल कोई, तो ये देखो आप दो रोड ले सकते हो अलग अलग, एक आपका यूडीएल पड़ रहा है यहां पे और एक यूडीएल पड़ रहा है आपका यहां पे और बीच में खाली है, और ये है 10 न्यूटन पर मीटर, ये है 20 न्यूटन पर मीटर, और इसकी कैलकुलेशन के लिए ये आपको डिस्टेंस बता दूं, ये डिस्टेंस है मान लीजिए 2 मीटर और ये मान लीजिए है 3 मीटर और ये मान लीजिए कि है 2 मीटर। आपने दिमाग में करने हैं, फिर बोल रहा हूं दिमाग में, 10 न्यूटन पर मीटर 2 है तो टोटल लोड कितना होगा 20 न्यूटन, लेकिन पड़ेगा कहां, यहां पर सेंटर में, ठीक है, और ये कितना है 20 × 3 60 न्यूटन पड़ेगा कहां, यहां सेंटर में, और इसका डिस्टेंस कितना होगा, देखिए अब रह कितना गया डिस्टेंस, ये है 1 मीटर, ये इसके हाफ में है तो ये है 1.5, इसका ये यहां पे बना दूं तो ये कितना रह जाएगा 1 मीटर, ये बीच में तो था ही 2 मीटर, ये तो 2 मीटर था और ये कितना रह जाएगा 1.5 मीटर, तो हमारे पास ये कितना आ गया 60 न्यूटन, ये कितना आ गया 20 न्यूटन। ऐसे अगर दिमाग में आप कर लोगे, रफ में कर लोगे, कैलकुलेशन आसान हो जाएगी, अब आप इसके आर याद भी निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर आपको समझ आ रहा है तो इसको कमेंट में जरूर बताइए कि मुझे समझ आ रहा है, तो आगे भी मैं इसको पार्ट वन है, ये कैसियो फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का पार्ट वन है, पार्ट टू वीडियो में फिर एक दिन बाद डाल दूंगा और आप देख सकते हो उसको। तो ये है पार्ट वन में आपका स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। थैंक यू सो मच।